हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ये मॉर्निंग की क्लिप है, ये बच्चों के लिए आज लंच के लिए बन रहा है। और ये बन रही है तहरी, क्योंकि रोज़ ही बच्चे बस यही तहरी या आलू भरा पराठा या सब्जी, आलू का ही सब कुछ ले जाते हैं, ग्रीन सब्जी कुछ ले ही नहीं जाते। तो मैंने कहा आज तहरी बना देते हैं, और फिर यही बना रही थी। ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, बस बच्चों को खाने के लिए और है, और थोड़ी बहुत बच जाएगी तो जिसको खाना होगा खा लेगा, और फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है फिर बनाते ही हैं हम लोग, और जो बनाना होगा वो बना लेते हैं। तो अभी ये देख लीजिए, तहरी मैंने पकाने के लिए रख दिया, और उसके बाद चढ़ा दिया चाय, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले चाय ज़रूरी होती है। बच्चे भी पीते हैं और हम लोगों को भी चाय चाहिए ज़रूर सुबह। तो ये देख लीजिए, अभी तहरी यहाँ पर मेरी पक गई है, और इसमें अभी मैं डाल देती हूँ धनिया, क्योंकि धनिया के बगैर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है हैंडल नहीं लगा, और लगा हुआ था निकल गया है, तो वही मैं अभी आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे, मैं बता रही हूँ कि उसे सही से लगता नहीं। और ये देख लीजिए, अभी टिफ़िन में भी पैक कर दिया बच्चों के लिए, दोनों के लिए यानी दो टिफ़िन मैंने पैक करके रख दिया है, और इसके बाद बच्चे चले जाएँगे स्कूल, और स्कूल जाने के बाद फिर मुझे काम में ही लगना पड़ेगा जो रहता है। और ये देख लीजिए, चने भी भिगो के रख दिया, रात में भूल गए थे क्योंकि सुबह बच्चे खा के जाते, फिर मैंने अभी भिगोया है, तो फिर लौट के आएंगे तो खा लेंगे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आपको भी उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का समय, मॉर्निंग में जो है मैंने बच्चों के लिए लंच वगैरह बना दिया था, और फिर उसके बाद मैं कहीं चली गई थी, बाहर का मैंने सोच करके नहीं दिखाया आप लोगों को। 12:30 बजे होंगे यहाँ, अभी मैं आई हूँ, तो जाते हैं खाने के लिए कुछ बना लेते हैं, क्योंकि खा के नहीं गए थे, सिर्फ चाय ही दो बार पी, एक बार बाहर वहाँ जहाँ गई थी वहाँ पी हूँ, और एक बार घर में पी के गए थे, फिर जाते हैं कुछ बना लेते। और चने इस समय फ्राई वाले, यानी चने इस समय रोज ही हम लोग पका रहे, तो सबसे पहले जाती हूँ चने पका लेती हूँ, फिर जो है खाना दाल चावल बनाएंगे, तो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते। और फ्रेंड्स, जहाँ मैं गई थी वहाँ से लौट के आने के बाद ये देख लीजिए, इतने चने मैंने पका लिए, क्योंकि मुझे पके चने पसंद है, और बच्चों को जो है कच्चे पसंद है, तो उनके लिए थोड़े से मैंने कच्चे रख दिए हैं हटा के, और ये पके मैंने बना लिए हैं, और अभी बनाना है मुझे दाल, और ये चने बन गए हैं, जिसको खाना होगा जल्दी से खा लेगा, क्योंकि भूख लगी थी और ये भीगे हुए चने रखे थे, तो मैंने कहा उसको पका लेते हैं, तो ये पक गए हैं, खा लेते हैं जाके, और तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ, दाल पकेगी और तब तक मैं खा लूँगी, तो फिर चलते हैं दाल चढ़ा देते हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो है दोपहर में खाना वगैरह बना के खा लिया था सभी लोगों ने, और बच्चे भी स्कूल से आ गए तो उनको भी दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, और उसके बाद मुझे धुलना था कपड़े, तो थोड़े से कपड़े तो धुल गए हैं, वाइट वाले मैं अलग धुलती हूँ, थोड़े से मशीन में धुले हैं, मैं अभी आप लोगों को क्लियर वीडियो में दिखाऊँगी। और ये साड़ी थी मशीन में धुलने वाली है नहीं, जो मैं उस दिन बर्थडे में पहन के गई थी, एक हफ्ते से बाहर ही रखी थी धुलने के लिए सिर्फ, तो फिर मैंने कहा आज चलो ठीक है धुल लेते हैं, तो इसको मैं अभी निरमा में भिगो के जो है धुल लूँगी, और थोड़े से कपड़े मशीन भी लगा दिए हैं मैंने, वो धुल रहे हैं, और ये वाइट वाले मैंने ऐसे ही हाथ से ही धुले, क्योंकि मशीन में क्या होता है एक दूसरे के कलर चढ़ जाते हैं, फिर मैं वाइट कपड़े धुलती हूँ अगर सबसे पहले ही धुल देती हूँ अगर धुलना होता, लेकिन इनको जो है मैं ऐसे ही साबुन लगा के धुल दी हूँ। तो ये वाले धुलने के बाद अभी मुझे साड़ी भी भिगो के मैंने रख दिया है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है एक हफ्ते से आप समझ सकते हैं, एक हफ्ते से साड़ी मेरी धुलने के लिए रखी थी, मन नहीं करता, ये स्टोन वगैरह की साड़ी बहुत बेकार होती है, लेकिन आजकल जो चलती है वही सभी लोग पहनते हैं, और बच्चों की ये ड्रेसें हैं, तो मैंने कहा इसको पहले धुल लेते हैं। तो अभी ये देख लीजिए, ड्रेस वगैरह तो धुल गई है, और अभी साड़ी को जो है मैं अच्छी तरह से साफ, और ज़्यादा ये रगड़ने वाली भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो स्टोन वगैरह लगे होते हैं छूट जाते हैं, इसलिए बहुत आराम से ही करके मैं अभी धुल के रख दूँगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और फुल वॉच किया करिएगा फ्रेंड्स, आप फुल वॉच नहीं करते हैं, और मेरा वॉच टाइम बहुत ही कम है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप लोग समझते होंगे कि झूठ ही बोल रही हैं, सच में मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, और मुझे वॉच टाइम की आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और
फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, बस आप लोग फुल वॉच करिए, यही इतना कह सकती हूँ। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके और आप लोग मेरा वीडियो पहले देखें। और के आगे मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए साड़ी में कलर निकलता है, हल्का फुल्का पिंक कलर निकलेगा। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए अभी इतने कपड़े मैंने धुल दिए हैं, और ये देख लीजिए इतने से मशीन में भी पड़े हुए हैं, इनको भी अभी मुझे धुलना है, लेकिन अभी ये पड़े हैं, अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं किचन का और फिर उसके बाद मैं आराम से इनको निकालूंगी, क्योंकि अंदर के धुल दिए फिर मुझे थोड़ा सा काम है, तो अभी वो कर लेती हूँ, फिर इनको मुझे बाद में निकालना है। और ये देख लीजिए अभी मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अचार रखा हुआ था, मैंने आप लोगों से बताया कि मैं कहीं गई थी और लेकिन मैंने वहाँ का सूट नहीं किया। तो फ्रेंड्स जहाँ मेरी फ्रेंड रहती है वहीं पर मेरा थोड़ा काम था तो गई, तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया अचार, तो ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छा अचार बनाती हैं वो, अधिकतर मुझे देती हैं जब मैं जाती हूँ वहाँ पर तब देती हैं, क्योंकि वो बहुत दूर की हैं, आजमगढ़ की हैं, वो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं और हम लोग के यहाँ लखनऊ में रहती हैं, ऐसे ही दोस्ती हो गई थी, बस बच्चों की फ्रेंडशिप थी तो फिर उनकी मम्मी से मेरी हो गई, तो इसीलिए फिर ये देख लीजिए मैंने कहा इसको अचार को यानी डिब्बे में रख देते हैं, और थोड़ा सा ये लाल वाले मिर्च होते हैं उनका और थोड़ा सा आम का है, और बहुत अच्छा अचार वो बनाती हैं और हर तरह के अचार बना देती हैं, तो फिर वही मैंने कहा इसको जो है मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ, तो वही मैं रख रही हूँ। तो आप और फ्रेंड्स ये देख लीजिए अभी अचार भर के मैंने रख दिया है, और उसके बाद ये देख लीजिए आ गई फिर मैं कपड़ों को निकालना है मुझे अभी है, तो मैंने कहा इसको भी निकाल के धुल लेते हैं सही रहेगा, क्योंकि अचार बहुत देर से रखा था, तो मैं बहुत देर से सोच रही थी कि जल्दी से उसको भर देते हैं क्योंकि चूहे वगैरह आ जाते हैं फिर इसलिए। तो अभी ये देख लीजिए कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं, धुल लेंगे और मशीन को जो है अभी तुरंत साफ़ करके जो है इसको भी रख देंगे जहाँ रखना है, क्योंकि बाथरूम में तो जगह है नहीं, तो इसको रूम में रखना पड़ता है, तो अभी इसका मैं गंदा वाला पानी निकाल के फिर रूम में रख दूँगी। क्या होता है कभी कभी ऐसे ही कपड़े निकालने के बाद पानी इसी में मशीन में भरा रहता है, तो फिर इसमें लाने लगती है, फिर मैं तुरंत ही निकाल देती हूँ जब याद आ जाता है। और इसके बाद ये देख लीजिए फ्रेंड्स कपड़े धुलना ही है, और आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में और दूध गर्म करना था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक ले बाय।